जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है मुझे बताइए। 10 साल में सिवा महंगाई के सिवा कुछ किया हुआ जी? राम मंदिर अगर ये होते तो ये नहीं बनवाते, ये तो कोर्ट का फैसला है। अगर ये आते तो ये नहीं बनवाते, ये कहने की बात है। जेल में लेकिन वोट तो उसी को मिलेंगे। मैं तो बहुत दुआ कर रहे हैं केजरीवाल की रिहाई हो केजरीवाल की। तो लोगों के ऊपर है किसे देना चाहिए वोट, ये लोगों की उंगली के ऊपर है कैसे बटन दबाना चाहिए, केजरीवाल ही आना चाहिए। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। आपको मेरे पीछे लोकेशन दिख रही होगी। अभी हम 30,000 के जो है बस स्टॉप पे हम इस वक्त मौजूद हैं। इस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है तो जनता की राय हम जानने आए कि जनता किसकी सरकार चाह रही है। यहाँ मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार, क्या मोदी वापस आ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अब चुनाव का तो पता हो कि चुनाव का माहौल चल रहा है, सत्ता में कौन है, मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, तो क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि अभी जो करंट जो सिचुएशन चल रही है, दोस्तों से मेरी जो बात होती है तो उनका तो यही कहना है कि मतलब ज़्यादातर जो दोस्त लोग हैं बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को ही वोट देना चाहते हैं। मतलब आप वोट देने योग्य हो चुके हैं, 18 साल से ऊपर आपकी उम्र हो चुकी है? हाँ। मतलब वोटर आई डी कार्ड है, वोट डालने जाएंगे? अभी तो मेरा नहीं बना लेकिन मैं अगले साल दूंगा वोट। अगले साल देंगे वोट। अभी इस वक्त क्या लग रहा है कि अभी आप किसके सपोर्ट में, जिस तरीके से देश की सिचुएशन चल रही है? मैं कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मतलब सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आए दिन जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो मतलब फॉरेन कंट्रीज से जो रिलेशन बिल्ड होते जा रहे हैं वो मैंने नोटिस करा है कि जो बीजेपी काल है इसमें ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट करती है हिंदूज़ को भी और कंट्री को भी। सिर्फ हिंदू उसको सपोर्ट करती है? मतलब पहले के टाइम पे मेरे जो मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ तो जो बाकी कंट्रीज थी वो अदर जो माइनॉरिटीज़ है उनको सपोर्ट करती थी, लेकिन बीजेपी उनको तो मतलब उनको सपोर्ट नहीं करती, ऐसा नहीं, उनको सपोर्ट करती है लेकिन कहीं ना कहीं अब हिंदुओं को भी सपोर्ट मिल रहा है जो पहले के टाइम पे नहीं, मेरे हिसाब से नहीं मिलता था। तो आप देश के युवा हैं, क्या नौकरियाँ उतनी मिल चुकी हैं या बेरोज़गार घूम रहे हैं लोग? जो मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई स्किल है तो डेफिनेटली जॉब की कमी नहीं है जो मुझे लगता है, बिकॉज मैंने अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ और जिनको कुछ ना कुछ काम आता है तो डेफिनेटली वे लोग कुछ ना कुछ अभी के टाइम पे कर रहे हैं जॉब, यानी तो अपना कुछ छोटा मोटा काम होता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ काम आता है, स्किल है आपके अंदर, तो जॉब की कमी नहीं है, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स, सर क्या लग रहा है चुनाव में किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है इस बार? मैं तो केजरीवाल की दिख रही है। केजरीवाल की दिख रही है, तो मीडिया गठबंधन के साथ है आप? गठबंधन के साथ नहीं है, दिल्ली में तो केजरीवाल की बनेगी। दिल्ली में केजरीवाल की बन रही, केजरीवाल तो जेल में है। जेल में है लेकिन वोट तो उसी को मिलेंगे। वोट उसी को देंगे लेकिन? हाँ जी। मोदी से क्या दिक्कतें हैं आपको? कोई दिक्कत नहीं है जी। तो मोदी क्यों नहीं बैटर यहाँ पे, केजरीवाल ही कर रहा है दिल्ली में। काम क्या करा है केजरीवाल ने वो बता दीजिए। काफी कुछ करा है, काम ही काम करा है यहाँ पे। तो क्या काम करा है? बस लेडीज़ों के लिए बस फ्री है, बिजली पानी फ्री कर दिया, मतलब पब्लिक के लिए काफ़ी बेनिफिट दिया है उन्होंने। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी दिक्कतें क्या है बताइए ना। मैं स्टेट वाइज बता रहा हूँ आपको, स्टेट वाइज यहाँ पर आम आदमी पार्टी ठीक है। मतलब वोट आप केजरीवाल को ही देंगे? हाँ जी। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? कह रहे हैं केजरीवाल जी की आएगी दिल्ली में, तो सही तो कह रहे हैं। केजरीवाल के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है? हाँ केजरीवाल के साथ है। क्यों? बस हमारी मर्जी। मोदी क्यों नहीं? इसके बारे में कुछ ही नहीं कह सकते। नहीं बताइए ना, मोदी क्यों नहीं? इतने काम करे हैं उन्होंने, कह रहे हैं हम देश को इतना आगे बढ़ा दिया है, तो मोदी क्यों नहीं? बस ये है लोगों की सोच है, अब तो लोगों के ऊपर है किसे देना चाहिए वोट, ये लोगों की उंगली के ऊपर है कैसे बटन दबाना चाहिए। मोदी के बारे में हम कुछ ही नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते ना हम। हम कुछ बोलेंगे हमारी पकड़ हो जाएगी, फिर कार्रवाई होगी हमारे ऊपर, तो इसलिए हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते। नहीं गलत नहीं कह सकते, बताइए ना मतलब तकलीफें क्या क्या, उन्होंने कुछ काम नहीं करा है 10 साल में? काम तो करा है, हमें तकलीफ भी कुछ नहीं आई है उनकी सरकार से। हम कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। हमें फिर केजरीवाल क्यों और मोदी क्यों नहीं? बस ये तो लोगों की समझ है और मेरी तो समझ यही है, केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली। केजरीवाल ही आना चाहिए जी। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैम आना चाहती
जनता ही है। केजरीवाल ही आना चाहिए, मोदी क्यों नहीं? बस सही है क्या? मैं तो बहुत दुआ कर रहे केजरीवाल की रिहाई हो। हाँ। रिहाई हो केजरीवाल की। कह रहे रिहा तो नहीं हो पाएंगे, घोटाला करे है, शराब घोटाला करे है। अच्छा होगी क्या? होगी रिहाई, होगी रिहाई होगी। अच्छा यहाँ कर रहे हैं आप, दुआ कर रहे हैं तो रिहाई जरूर होगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं तो रिहाई जरूर होगी। मैम क्या लग रहा है, केजरीवाल आएगा कि मोदी जी आएंगे? मैं नहीं जानती इस बारे में कौन आएगा कौन नहीं। वोट देती हैं आप? हाँ देती हूँ। किसको देती हैं? भाजपा को देती हूँ। भाजपा को देते हैं यानी मोदी को देती हैं वोट? हाँ। तो मोदी से क्या काम क्या करा है मोदी ने जो आप मोदी को वोट देती हैं? अब ये ऐसा नहीं है, हमारे सब हिंदू धर्म देते हैं मोदी को वोट, इसलिए हम भी मोदी को। मतलब आप धर्म के नाम पे वोट देती हैं? देते हैं। क्यों? काम से आपको क्या, कुछ काम गिनवाइए ना कि क्या काम करा है वो। गरीबों की सहायता बहुत करे हैं, जब से वो आए तो हमारे बहुत बहुत कुछ उन्होंने किया, इसलिए हम उन्हें। आपके लिए क्या करा है? हमारे लिए कुछ नहीं किया लेकिन समाज के लिए किया था बहुत। आपके लिए कुछ नहीं करा, समाज के लिए करा है, तो आप वोट दे देंगे? दे देंगे। मतलब यहाँ देखिए किस तरीके से जो है धर्म के नाम पे जो है मोदी सरकार ने बांटा हुआ है कि हम धर्म के, अगर सारे हिंदू लोग दे रहे हैं तो हम भी वोट देंगे। यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है, सर क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? मोदी जी ही बनेंगे और क्या। मोदी जी की बनेंगे? आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी ने तो देश को लूट खाया है, विकास की जगह विनाश कर दिया है। क्या वो लोग नहीं किए थे? कह रहे हैं ना कि 10 साल में एकदम विनाश कर दिया है। तो वो पहले क्या कर चुके हैं? तो मतलब देश अब सुधर रहा है और क्या। किस तरीके से अब गिनवा दीजिए ना, कुछ काम गिनवा दीजिए, मोदी जी ने क्या करा है? आपको देख ही रहा है ये, आप बताइए ना। नहीं आपको भी पता है ये बात, क्या दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है कि उन्होंने जो गरीबी रेखा है बहुत बढ़ चुकी है, एकदम देश पिछड़ चुका है ये कहा जा रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा। पहले भी गरीबी रेखा में थी, आज भी लोग कमा ही रहे हैं, बैठे थोड़े हैं ज्यादा। बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी रोजगार दे ही रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आप लोगों को रोजगार मिला है? हाँ हमें मिला है। और क्या काम करे आप ये बताइए ना, और क्या काम आप गिनवा दीजिए, आप 5 काम गिनवा दीजिए मोदी जी के। बहुत सारा काम करा रखे हैं हम, क्या तो गिनवाइए ना, 5 काम गिनवा दीजिए, क्या काम करा है, मेरा सवाल यही है आपसे। काम तो बहुत किए हैं, काम का क्या पता। गिनवा दीजिए क्या काम करा है, वही मेरा सवाल है आपसे। ये चीज मैं आउट नहीं कर सकता, लेकिन आप भाजपा को ही वोट देंगे? ये यहाँ देखिए हम काम पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं काम का पता नहीं, लेकिन हम वोट जो है भाजपा को ही देंगे। सर क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं इस बार? पता ही नहीं, बताइए ना, चुनाव का माहौल चल रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अपनी सोच है जी, कुछ नहीं, अब वोट जहाँ जाएगा जाने। आपका भी तो ओपिनियन होगा कि किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस को देना। आप कांग्रेस को देंगे, भाजपा को क्यों नहीं? अपनी अपनी सोच आएगी। नहीं बताइए ना, मतलब कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप कांग्रेस को वोट देंगे? अब बहुत लंबी कहानी है, शुरू से शॉर्ट में बता दीजिए। शुरू से देते आ रहे हैं, शुरू से जो उन्होंने कुर्बानियां दी हुई है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है मुझे बताइए 10 साल में, सिवा महंगाई के सिवा कुछ किया हुआ है? जवाब देंगे, विकास करा है, मंदिर राम मंदिर बनवाया है जी। राम मंदिर अगर ये होते तो ये नहीं बनवाते, ये तो कोर्ट का फैसला है, अगर ये आते तो ये नहीं बनवाते, ये कहने की बात है। वो कह रहे हैं कि अगर वोट देने जाएंगे तो राम मंदिर का ध्यान रखते हुए वोट देना। ये सब कहने की बात ठीक है जी, ध्यान देंगे बस, लेकिन वोट आप कांग्रेस को देंगे? जी हाँ ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राम मंदिर तो वो भी बनवा सकते थे। सर क्या लग रहा है किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? यूथ खड़ा है मैडम, इतना ये सब ज्यादा बता, आप भी बताइए ना। वोट तो मैडम दिल्ली वाले तो जो अंकल ने बोला वैसे ही ठीक है। कांग्रेस? नहीं नहीं, तो आपने बोला ना मंदिर वाला जी, बिल्कुल मंदिर वाले। तो मंदिर को ध्यान में रखते हुए किसको वोट देंगे? मंदिर जिसने बनवाया, किसने बनवाया? बीजेपी ने। तो भाजपा को वोट देंगे? मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? रोजगार का मतलब नहीं है, रोजगार देने तो मैडम 70 साल पहले देते, कभी भी दे देते, इतने बच्चे रोड पे थोड़ी घूमते। रोजगार अगर आता है कुछ भी आता तो 10 साल में रोजगार मिला है कि नहीं मिला है वो मतलब नहीं है, वो मतलब वो मैटर ही नहीं करता है। या तो आप ये कह लो कि मंदिर बनवा दिया, या तो आप ये कह लो कि रोजगार नहीं दिया,
अगर रोजगार दे दे तो बच्चे ऐसे घूमते नहीं बिना टाई वाई के इधर आ छोड़ो लाओ ना इन्हें ऐसे थोड़ी घूमते यूथ ऐसा घूमता अगर ऐसे हमारे को पहले से पढ़ाई लिखाई होती तो ऐसे घूमते हैं बच्चे बस ये नहीं रुक रही है गलती किस सरकार की है फिर जो इससे पहले थी कांग्रेस सरकार की गलती है मैं नाम नहीं लूंगा मैडम एक बात बता रहा हूँ जो इससे पहले थी लेकिन कह रहे हैं ना कांग्रेस सरकार कह रही है कि मोदी ने जो विनाश कर दिया है देश का 10 साल में सिर्फ धर्म जाति में बांट दिया है लोगों को मैं वो किसी का नाम नहीं लूंगा पर मैं इन बच्चों के बताऊंगा कि जो मैंने कहा कि अगर चाहते तो उन्हें किसी ने रोका तो नहीं था जो आपने सत्ता में कौन है सत्ता में तो भाजपा है ना पहले भी थी जब मंदिर नहीं बना था पहले कौन था जब मंदिर नहीं बना था जब मंदिर नहीं बना था मैडम पहले कौन था उनको मना थोड़ी करी थी कि आप मंदिर मत बनवाओ आपने उससे मंदिर का सवाल करा था खाली मैं आपको मंदिर का आंसर दे रहा हूँ मतलब आप मंदिर के नाम पे वोट जो है भाजपा सरकार को ही देंगे देखो मैं इनको मैंने आप बार बार बोझ बात ला रहे हो ये बच्चा है इसने ड्रेस पहन रखी है घुमाओ ना उसकी तरफ सत्ता में जो है भाजपा सरकार है तो वो ठीक भी तो कर सकते हैं एजुकेशन पे ध्यान दिया है अब सत्ता में सवाल करना मेरा काम है सत्ता में कौन है भाजपा सरकार अब ठीक कर सकती है कि नहीं बेरोजगारी कम कर सकती है कि नहीं महंगाई कम कर सकती है कि नहीं मंदिर का पूछा तो मैंने आपको मंदिर का जवाब दिया ठीक है और फिर दूसरी बात रही कांग्रेस की तो अगर कांग्रेस चाहती है उसने पहले भी कुछ भी करा तो इन बच्चों के अच्छी ड्रेस होती अच्छे घर से जाते अब क्या भाजपा सुधार आप सुनिए अब क्या भाजपा सुधार नहीं सकती इन सब बच्चों ये सारे बच्चे यमुना पार के हैं और कम से कम ये 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं 1-2 घंटे हो गए क्या लग रहा है किससे तकलीफ है आप लोग आज के युवा हैं आप बोलिए 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 बताइए ना आज के युवा हैं आप यहाँ बात करने जाओ तो फिर ये युवा बात नहीं करते हैं यहाँ पे देखिए हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोगों का कहना है कि जो जिसने मंदिर बनवाया है हम उसी को लाएंगे हमें बेरोजगारी या रोजगार से महंगाई से या एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है लेकिन मंदिर जिसने बनवाया हम उसी को लाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा सरकार ने लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम पहले ही कर दिया है और धर्म के नाम पर लोग वोट देने को तैयार है तो इस पूरी पब्लिक बातचीत पे पूरे पब्लिक ओपिनियन पे आपकी कह रहा है मैं कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए धन्यवाद।